तो हेलो फ्रेंड, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे इस चैनल का जिसका नाम है व्हाई दिस फिजिक्स। और यहाँ पर ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं जो नॉर्मल और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आते हैं। तो आज हमारा पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आते हैं। इसको डिस्कवर और डेवलप किया था सर आइज़क न्यूटन ने। इनके बारे में तो आप जानते होंगे, ये फिजिक्स के बहुत सारे जगह पे इनका नाम आता है। इनकी वजह से हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से, और हम जानते हैं कि क्यों हम लोग स्पेस में नहीं जाते हैं इस अर्थ को छोड़ के, और ये ग्रेविटेशनल पुल हमें खींच के रखता है। पर फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन के तीन लॉ आते हैं। लॉ ऑफ मोशन के तीन लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्शन रिएक्शन लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम समझेंगे इनर्शिया, क्योंकि ये पहला लॉ है। तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है एन ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट और इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या रेस्ट में है क्या मोशन में है, जब तक उसमें हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ऑब्जेक्ट का वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर ही दो ड्राइंग किया है बॉल्स का, एक बॉल में एक स्टील है क्योंकि उसमें अभी फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं किए, पर दूसरे में देख सकते हैं आप ये मोशन कर रहा है। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए एक बॉल भी लाया है। इसको आप देखिए, ये इसको स्टील रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, स्टील है। अब मैं इसमें थोड़ा फोर्स अप्लाई करता हूँ, देखिए मोशन में आ गया। तो यही पहला लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया का एक और अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, तो अगर आप कार में कहीं भी गए होंगे, कार से ट्रैवल करते हैं क्या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि जब कार मोशन में होता है, मतलब जब कार रनिंग में होता है और जैसे उसमें ब्रेक लगता है, तो आप एक शॉक फील करते हैं। वो शॉक क्यों फील करते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अभी आपका स्टेट मोशन में होता है और अचानक से आप अगर मोशन ऑफ रेस्ट में जाते हैं तो आपको एक शॉक फील होता है। और ये यही इससे प्रोटेक्शन के लिए हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए और एयर बैग्स बने हैं। अब हम समझेंगे सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ की अगर डेफिनेशन पढ़े जाए तो इसमें कहा गया है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड ऑन मास। तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नेट फोर्स और उसके और इनवर्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको दिखाऊंगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एफ हो गया हमारा फोर्स, उसके इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ ये कह रहा है कि जितना मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, और जितना मास कम होगा उतना एक्सेलरेशन होगा, और ये एफ हमारा नेट फोर्स है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में। इसका अगर एग्जांपल दूँ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का, तो अगर आप रॉकेट देखेगा तो रॉकेट में अगर ज़्यादा लोड रहेगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन के स्पेस में नहीं जा पाएगा, पर अगर उसको ऊपर स्पेस में पहुंचाना होता है तो सारे जो साइंटिस्ट होते हैं उसको लाइट बनाते हैं। अब हम समझेंगे एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये लॉ क्या स्टेट करना चाहता है। तो ये लॉ स्टेट करना चाहता है एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ कहता है कि हर एक्शन का उसका अपोजिट या इक्वल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ एक और बॉल का ड्राइंग किया है कि देखिए एक बॉल है, उसको हम थोड़ा इस हाइट से फेंके और वो ग्राउंड को हिट किया और फिर बाउंस करके ऊपर आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि जब बॉल ग्राउंड को हिट किया उसने अपना सारा फोर्स ग्राउंड को दिया और ग्राउंड ने वापस वो फोर्स को रिएक्शन के तौर पे बॉल पे दिया, जिसकी वजह से बॉल बाउंस किया। अगर मैं आपको वही बॉल से अगर एग्जाम्पल दूँ, तो ये हमारा बॉल है, पता नहीं आपको दिख रहा है क्या नहीं, पर ये देखिए बाउंस कर रहा है। और इस एक्शन रिएक्शन लॉ का यूज़ स्पेस में भी है।
जैसे कि जब रॉकेट बनता है, डेवलप्ड होता है, तो जब रॉकेट को स्पेस में जाना होता है तो वो बहुत सारा थ्रस्ट फोर्स जनरेट करता है अपने नीचे, जिसकी वजह से जो उसका एनर्जी होता है वो नीचे लगता है, जिसकी वजह से एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से रॉकेट डायरेक्ट स्पेस में जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और यही पूरा लॉ ऑफ मोशन था, जिससे आप समझ सकते हैं कि सर आइज़क न्यूटन ने कितनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की होगी इस लॉ बनाने में। तो अगर आपको सर आइज़क न्यूटन के बारे में और जानना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक सवाल देना चाहता हूँ कि आप और एप्लीकेशन बताइए लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का। और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके आप इस वीडियो को सबके पास पहुँचाइए कि सारे स्टूडेंट समझ पाए जो समझ नहीं सकते हैं। तब तक के लिए बाय।